पहले तो थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। मैं थैंक यू थोड़ी फॉर आप पे इनवाइटिंग मी। रिसर्च कर रहा था, आपने बड़े कम बल्कि ना होने के बराबर इंटरव्यूज आपने दिए, राइट? मुझे लगता है जितना कम इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे उतना अच्छा है। तो ये स्पेशल इंटरव्यू होगा फिर के जो हाँ, आपने क्योंकि एग्री इसमें कर बड़े मजे दिया। मजे की चीजें आप पूछने वाले हैं। आई नो, आई कैन सी दैट। अच्छा, तो फिर क्योंकि आपने इतने ज़्यादा इंटरव्यूज पहले नहीं दिए और हमारी ऑडियंस का भी एक ये फीडबैक रिकरिंग है कि हम एक्टर्स के बारे में, उनकी जर्नीज के बारे में भी उनसे डिस्कस किया करें, तो टेल मी, व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू डिसाइडेड दैट दिस इज द लाइफ यू वांटेड, दैट ऑफ अ मॉडल और ऑफ एन एक्टर? ओके, सो इट्स अबाउट लाइक आई थिंक 8 ईयर्स अगो, क्योंकि मुझे 8 साल हो गए इंडस्ट्री में। 2 साल ड्रामों में हो गए एंड देन फिर 6 साल मैंने उधर दिए अपनी मॉडलिंग में। तो स्टार्ट ऐसे हुआ था कि देर वॉज़ अ कॉम्पिटिशन वीट का, वीट कॉन्टेस्ट, और उसके बाद वहाँ से मुझे फ्रिया ने ढूंढ लिया। आई वॉज देयर विद माई फैमिली एक्चुअली। अच्छा, हाँ, यू वर्न पार्टिसिपेटिंग? नहीं, मैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे थी। टप्पू भाई, फ्रिया वॉज देयर एंड फ्रिया ने मुझे देखा वहाँ पे लॉबी में। हम लोग वहाँ हाई टी पे आए हुए थे। टाइम अराउंड लाइक 4:35 का था एंड उसने कहा कि तुम्हारी हाइट बहुत अच्छी है। उस दैट टाइम आई वॉज रियली स्लिम बाय द वे, बहुत यू ज़्यादा। स्टिल आर, तो आई मीन यू, दैट टाइम जो लाइक, अच्छा ठीक है, चलो तुम हमारे ऑडिशन्स हो रहे हैं अंदर वीट के, तो आके ट्राई करो। आप यकीन करें हसन, मैंने उस दिन फ्राइडे का दिन था एंड आई वॉज वेयरिंग अ वाइट शलवार कुर्ता, नहीं होता है चूड़ीदार पजामा, वो पहना हुआ था। दैट वॉज माई फर्स्ट मॉडलिंग ऑडिशन। जस्ट लाइक दैट, हैविंग हाई टी विद फैमिली। और वहाँ पर जब मैं जैसे ही एंटर उस रूम में जब मैं घुसी, तो वहाँ पर आप यकीन करें सारी गर्ल्स टिप टॉप हील्स में, ऑब्वियसली ऑडिशन के लिए प्रिपेयर होके आई थी ना। मैं तो इन माई खुसा पजामा एंड शर्ट। उसके बाद फिर मुझे लगा नहीं होगा, इंटरव्यू हो गया, रुकैया वॉज देयर, टप्पू भाई एंड ऑल, एंड लाइक अच्छा नहीं होगा, मुझे नहीं लग रहा था कि होगा, बिकॉज यू नो वहाँ तो सारे दीवास पहुँचे हुए हैं। बट देन नेक्स्ट डे मुझे सुबह में 12-1 बजे फ़ोन आया फ्रिया के ऑफिस से कि आप सिलेक्ट हो गई हैं, एंड आई एम लाइक ओके। फिर 2-4 दिन हमारी ये चीज़ें चलती रही, वीट का हुआ, और फिर वो एक पूरा एक तरह का एक फैशन शो था, उसमें हमें पार्टिसिपेट करना था, और बड़ा मज़े का वो जर्नी रहा। एंड देन आई स्टार्ट मॉडलिंग। नहीं, लेकिन उस हाई टी पे जाने से पहले व्हाट वाज हैपनिंग इन योर लाइफ? वर यू एक्टिवली लुकिंग टू ओके, बी पार्ट ऑफ द नो इंडस्ट्री या नो कुछ और परसू कर रही थी, कोई और जॉब की तरफ आपका ध्यान हसन, था? मैं अपना यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर चुकी थी और मैं अपनी यूनिवर्सिटी से फैशन पढ़ रही थी, और मेरा पहला साल का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ था, जो आपका एक पहला सेमेस्टर होता है ना, वो भी नहीं हुआ था। आई वॉज स्टडिंग फ्रॉम AIFD, एशियन स्कूल ऑफ फैशन हाँ, डिज़ाइन। या तो मैंने वहाँ पर मैं पढ़ रही थी, तो मुझे नहीं था कि मुझे डिज़ाइनर बनना था हमेशा से। ऐसा मुझे बचपन से था कि मुझे डिज़ाइनर बनना है, जो कि आप मॉडल बनी है आप आप इवेंचुअली। बनी हो, लेकिन उस पर कोई प्लान नहीं था कि मॉडलिंग करनी है, कुछ था ही नहीं ऑनेस्टली। जब मुझे ऑफर भी आया था नेक्स्ट डे फ़ोन फ्रिया का, तो उस दैट टाइम माई फादर वॉज अलाइव, तो आई डिस्कस विथ हिम एंड मेरी अम्मा के साथ बैठ के मैंने डिस्कस किया कि करूँ ना करूँ। तो वो बड़े यू नो सपोर्टिव कि हाँ ठीक है, करना चाहिए, इफ़ यू आर हैप्पी एंड अग्री तो चलो ठीक है करो, वी आर ऑल्सो अग्री विथ यू। तो ये हुआ था। सो हाउज दैट जर्नी बिन देन एज अ मॉडल, फर्स्ट आई आस्क, बिकॉज जो एक मशहूर है अवाम में भी बातें कि मॉडल्स की ज़िंदगी तो बड़ी एक पीछे से रंगीन कॉम्प्लिकेटेड होती है और है। रंगीन भी है, और बिहाइंड द स्टेज या बिहाइंड द कैमरा जो है वो पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है, और आपको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, और कास्टिंग काउच और इस तरह की आई चीज़ें भी नो सुनने में आती हैं। हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस बिन? हसन, इस मामले में आई थिंक मैं आपको यही कहूँगी कि मे बी मैं इस मामले में बड़ा लकी रही हूँ। उसका रीज़न ये, क्योंकि आपने शायद नोटिस किया हो कि मैंने सबके साथ काम किया है, पर बहुत काम नहीं किया मैंने मॉडलिंग में भी, बड़ा कम कम लोगों के साथ। कुछ मेरे अपने एक लोग हैं, मेरा एक सर्कल है जिनके साथ बहुत काम किया, अदरवाइज बाकी लोगों के साथ आउटसाइडर्स के साथ इतना नहीं किया जितना बाकी माशाल्लाह कर रहे हैं गर्ल्स वगैरह। और मेरा कोई कास्टिंग काउच नहीं रहा ऑनेस्टली। मे बी मैं लकी रही ना इस मामले में कि मुझे ऐसे लोग मिले हमेशा जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और बड़ा आगे से यू नो पुश किया कि हाँ ये करना है, ये नहीं करना है, और अच्छा रहा। और जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है ना, मेरे अराउंड किसी का नहीं रहा अच्छा, ऐसा। हाँ ये बात है, ऑब्वियसली पूरी दुनिया में मानी जाती है कि ये चीज़ है कास्टिंग काउच, बट आई थिंक दिस कास्टिंग काउच थिंग इज़ इन एक्टिंग ऑल्सो, इज़ इन ड्रामा, एक्टिंग, मूवीज़। आई थिंक मूवीज़ मुझे लगता है शायद ज़्यादा है, हमारे मूवीज़ हैं नहीं, बट इन बॉलीवुड आई थिंक इट्स मोर इन टू दिस थिंग्स। तो ये है, लोग बात भी करते हैं उनके तो बड़े ओपनली कि हमें ये फ़ोन आए थे, हमें ये ऑफर आती थी, तो ये है। बट मुझे यू नेवर हैड एनी सच नो 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 एक्सपीरियंस? नो मेरे साथ कभी नहीं, मुझे मैं ये बता रही हूँ ना कि मुझे कभी नहीं लगा कि, बट ये चीज़ है।
ये है, कुछ लोग हैं जो खामोश हैं, वो बात नहीं इवन करना इन चाहते हैं। पाकिस्तान यू सेइंग दैट इट एग्जिस्ट, अदर कम पीपल से माइट हैव कम एक्सपीरियंस दिस बिसाइड्स या यू। दैट्स ट्रू है, वो बात नहीं करना चाहते। हमारे यहाँ लोगों का क्या प्रॉब्लम है, वो जब एक सक्सेसफुल इंसान बन भी जाते हैं ना, क्या क्या, वो बहुत बड़े सिंगर बन गए, बहुत बड़े एक्ट्रेस बन गए, एक्टर बन गए या मॉडल बन गए, वो अपने पास्ट के बारे में कभी बात नहीं करते, बिकॉज उनको लगता है कि फिर हमारी बातें खुलेंगी। जबकि मुझे ये लगता है कि अगर आप बहुत आगे चले गए हो तो उसके बाद आपने सीखा है, वो जर्नी है आपकी, आप कल को बात करोगे तो जो न्यू लोग हैं, जो न्यू कमर्स हैं, वो सीखते हैं, उनको आपसे पॉइंट्स मिलेंगे कि देखो इन्होंने भी फेस किया है, तो आई थिंक उनमें हिम्मत आएगी। तो हमें डिस्कस करना चाहिए, लेकिन लोग नहीं करते, मैंने देखा है। ये बड़ा आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया। आपको भी आई एम श्योर बहुत सारे भी न्यू कमर्स देख रहे होंगे हु एस्पायर टू बी मॉडल्स और एक्टर्स। व्हाट इज द वन एडवाइस दैट यू वुड गिव टू देम अपने एक्सपीरियंस से कि कैसे इस तरह की चीज, जैसे आप एक्नॉलेज करिए एग्जिस्ट तो करती है, बट उससे बचा ऑफकोर्स कैसा है, जाए? उससे बचा ऐसा जाए कि, एक तो पहली बात, हमारे यहाँ एक चीज़ होती है, डेस्परेट ना हो जाए ना काम के लिए, कि ये मुझे चाहिए, ये तो मुझे, अब मैं इसके लिए कुछ भी कर लूँगी या कर लूँगा। नहीं, अगर वो आपको मिलनी है ना, आपको देंगे। अगर आपको कोई ड्रामा, मैं एक्टिंग के लिए 3 साल ट्राई कर रही थी अपने मॉडलिंग टाइम पे, मुझे बहुत सारे ऑफर्स आ रहे थे, मैं मना कर रही थी। बहुत टाइम के बाद जाके मैंने ये ड्रामा साइन किया था, पहला अपना कोई चांद रख, जो मेरा डेब्यू था। इवन मुझे लोगों ने कहा था कि नेगेटिव है ना करो, पर फिर भी मुझे उसकी स्क्रिप्ट और जो उसकी सारी चीज़ें थी, कास्टिंग वगैरह सारा, मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो बहुत मुझे मुझे लग रहा था कि ये चीज़ करनी चाहिए इतने टाइम के बाद। हालांकि लोगों ने मुझे कहा, नहीं अब तो बहुत लेट हो गया रीबा, अब तुम क्यों कर रही हो एक्टिंग, इतना साल मॉडलिंग कर लिए, लोगों ने चेहरा देख लिया। और मैंने किया और लोगों ने बड़ा पसंद किया मुझे, और आई थिंक जितना एक्टिंग से पसंद किया, इतना मुझे मॉडलिंग में मेरा इतना फ़ैन फॉलोइंग वो नहीं थी जितना मेरी एक्टिंग में जाके आई है, जो बात है। तो उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग इस चीज़ से बचें, और हर वक्त हर चीज़ पे, हमारे यहाँ एक और चीज़ है, ये जो एक हमारे सोसाइटी में, मॉडलिंग में, एक्टिंग में, हर जगह है कि ये जो दोस्तियाँ यारियाँ जो होती हैं ना, कि वो उसके साथ ही काम करेगा, वो उसके साथ ही काम करेगी, इसमें नहीं घुसे हैं। वो जो करते हैं करने दें, वो उसको लेगा, वो उसका फेवरेट है, आप उसमें पॉइंट आउट नहीं करो, उन्होंने आपको लेना होगा वो आपको ले लेंगे। सो आई जस्ट थिंक हमारी इंडस्ट्री का मसला ये नेपोटिज्म नहीं है, फेवरेटिज्म हो रहा नेपोटिज्म, एग्जैक्टली नेपोटिज्म नहीं आ सकता ना हमारे पास। नेपोटिज्म का प्रॉब्लम ये, जो लोग बॉलीवुड के लिए भी कहते हैं ना, उसके लिए मेरा एक जवाब है सबके लिए। नेपोटिज्म में आप मुझे, आप अपने इंटरव्यू में मुझे दोस्ती में एक बार बुला लोगे, है। अब जब मैं कोई ड्रामा मूवी कुछ नहीं करूँगी, आप मुझे बार बार बुलाओगे, लोगों को फील हो जाएगा यार रीबा कुछ कर तो रही नहीं, ऐसे क्यों बुला रहा है, यू नो। इसको फेवरेटिज्म और हम ये कह सकते हैं। बट अगर आपको पता है कि रीबा काम कर रही है, चाहे वो आपकी दोस्त भी है, पर वो काम कर रही है, उसका काम लोग मांग रहे हैं, ऑडियंस मैसेजेस कर रही है कि रीबा को बुलाएं, मिशा को बुलाएं, ये वो, तो फिर आपको लगेगा कि बुलाना चाहिए। नेपोटिज्म पे भी मैं इतना नहीं बिलीव करती हूँ। आई थिंक अगर आप, एक प्रोडक्शन है, वो आप पे एक दफ़ा पैसा लगाएगी, 2 बार लगा देगी, तीसरी बार वो अपना नुकसान नहीं एट करेगी। द एंड ऑफ द डे इट इज अ बिजनेस। एग्जैक्टली, बिजनेस है वो, नहीं कर, इस पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है एक ड्रामे पे भी, कि अगर वो बोलेंगे कि जी अरीबा को ले लिया है या किसी और एक्ट्रेस को ले लिया और वो काम अच्छा नहीं कर रही है, तो वो उस वक्त तो निकाल देंगे उस प्रोजेक्ट को, लेकिन नेक्स्ट टाइम अवश्य उनको होगा कि हमें तो काम चाहिए ना। तो ये जो 2018 में आपने डेब्यू किया, फिर यू सेड आप 3 साल से काम कर रही थी, यू वर लुकिंग फॉर स्क्रिप्ट एंड लुकिंग हाँ, फॉर और मुझे एक्टिंग काफ़ी गिग्स। सारे ऑफर्स आ भी रहे थे, लेकिन मुझे यही था हसन कि नहीं, ये वाला, जैसे मुझे आइटम नंबर ऑफर हुआ था ना, आई लाइक नहीं, ये तो मैं नहीं कर सकती। उसका रीज़न था, क्या रीजन था? उसका रीज़न ये नहीं था हसन कि मैं अगेंस्ट हूँ आइटम नंबर के, बिल्कुल नहीं। उसका रीज़न ये था कि हमारी, मैंने भी रिसेंटली एक इंटरव्यू देखा मायरा खान, शी वॉज एब्सोल्युटली राइट, कि मैं बहुत लकी हूँ कि हम इस कंट्री में काम करते हैं, पाकिस्तान में, क्योंकि हमारी कंट्री में आप जितना लड़की को ढकते हो ना, उतना वो फेमस है, उतना उसको लोग सर पे रखते हैं, बिठाते हैं कि देखो ये कितनी अच्छी है। सो आई थिंक यही तो हमारी खूबसूरती है, हमारे लोगों की, हमारे फैंस की। तो कहीं ना कहीं जो आप ये कह सकते हो कि हमारी मूवी में एक गाना डिफरेंट है, या कोई गाना है, या किसी गाने का, किसी लड़की का डेब्यू है, मे बी इट विल मेक सेंस। बट ये जो ये वाली बात है ना, आइटम नंबर वाली, ये नाम ही गलत है, ये हाँ बॉलीवुड तक चलता है, क्योंकि उनको ये मसाला चाहिए,
उनके आई थिंक उनकी तो सोसाइटी में है डांस एंड ड्रामा एंड म्यूजिक और ये सब, बट इन द एंड वी आर मुस्लिम, आई डोंट थिंक सो वी एक्सेप्ट दिस थिंग्स, नो वी कांट। और हमारी जो ऑडियंस है ना 90% इज मिडिल क्लास और लोअर क्लास, वो जो टीवी देखते हैं 8 बजे, उनके घर में केबल है, उनके पास नहीं है ये सारी चीज़ें, तो उनके लिए अगर आप आइटम नंबर करते हो आप गलत हो, देन आपको वो टीवी पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जितनी भी लड़कियों को मैं देखती हूँ जो बहुत आउटस्पोकन है, मैं बहुत उनको पसंद करती हूँ कि हाँ ठीक है बोलना चाहिए, बट इन द एंड मुझे लगता है कि जिस पब्लिक में आप काम कर रहे हो ना, यू शुड फॉलो दैट रूल्स।